हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। मित्रों, जीके के टॉप एमसीक्यू पिछले 10 वर्षों के जितने भी वनडे एग्जाम हुए उनसे निकाल कर ले आ रहे हैं, और ये सभी मिक्स टाइप के जितने भी जीके स्टैटिक जीके पोर्शन हैं उन सभी प्रश्नों को हम लेकर इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष हाजिर हो रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे वीडियोज़ आपके सभी वनडे एग्जाम, जो भी आप वनडे एग्जाम देने वाले हैं उस सभी में, जिसमें जीके का स्टैटिक पोर्शन आता है उस सभी में ये लागू हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, और लास्ट में आप लोगों के लिए एक प्यारा सा चैलेंज है, उस प्यारे से चैलेंज को आप जरूर कमेंट करके आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बातचीत करेंगे पिछली वीडियो में जो आप लोगों से मैंने प्रश्न पूछा था उसका जवाब में। प्रश्न मैंने पूछा था कि निम्न में से कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, और आप सभी मित्रों ने बहुत सही जवाब दिया है कि जो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति होता है भारत का महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और आप सभी मित्रों ने इसका बेहतरीन तरीके से जवाब दिया, तो आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपकी तैयारी बहुत मजबूत तरीके से चल रही है। तो चलिए आज के प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और लास्ट में भी आप लोगों के लिए प्यारा सा चैलेंज रहेगा प्रत्येक वीडियो की तरफ, तब लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन या टेनिस? तो जो हॉफमैन कप है इसका संबंध जो है आपके टेनिस से है। जी हाँ, टेनिस से हॉफमैन कप रिलेटेड अधिकतर आपके एग्जाम में खेल से संबंधित पूछ लिया जाता है। क्रिकेट के कई ढेर सारे टूर्नामेंट मैक्सिमम लोग देखते हैं, हॉकी के भी देखते हैं, और बैडमिंटन और टेनिस ये जो थोड़ा सा रेयरेस्ट गेम्स होते जाते हैं तो उसके कप ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने कई जीके की वीडियोस बनाई हैं, ट्रिक्स वीडियोस बनाई हैं, उसको आप देख लीजिएगा, आपकी बहुत मदद होगी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाले महान चित्रकार कौन था, हसन अली, मंसूर, जुबैद या अंसारी? तो यहाँ पे बात हो रही है कि जहांगीर, अब जहांगीर के बारे में बातचीत आई है, तो जहांगीर को आप सभी जानते हैं कि जहांगीर के समय को अगर मैं पूरा बताऊं, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। जी हाँ, जहांगीर का जो समय था वो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, और मंसूर नामक चित्रकार जो थे वो महान चित्रकार थे, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाते थे। ठीक है ना, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए मित्रों, प्रश्नों के साथ साथ मैं जो उत्तर में और भी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ वो भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न का ही रूप होते हैं, तो उसको बहुत लाइटली मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपको कुछ नया लगे इसमें तो आप जरूर नोट डाउन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अभी हम लोग राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानते हैं, हर जगह डिवीज़न, 1985 से लेकर 1885 से लेकर फिर उसके बाद बाइफर्केट, जब दोनों अलग अलग हुआ, नरम दल गरम दल, फिर आगे चलता गया, तो हम लोग कई बार देखते हैं, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अध्यक्ष कौन था राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जे बी कृपलानी या बाल गंगाधर तिलक? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे जे बी कृपलानी साहब। कौन था? जे बी कृपलानी साहब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट है टीबी, आप जानते हैं टीबी को इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, और यहाँ पर है एमएमसी, डीपीटी, पीएनएस या बीसीजी। तो आप सभी को पता है टीबी के लिए जो टीका लगाया जाता है वो होता है बीसीजी टीका। ठीक है ना, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बीसीजी टीका टीबी के लिए लगाया जाता है, और इसको ऐसे भी आ सकते हैं कि टीबी रोग, टीबी लिखते हैं बी, और बी से बीसीजी शुरू होता है। ठीक है ना, तो ये ट्रिक आई होप आपको याद रहे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, अली कुली खां या खुसरब शाह? तो प्लासी का युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और कई जो इम्पोर्टेंट युद्ध होते हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो यहाँ पे प्लासी के युद्ध में जो बंगाल के नवाब उस समय थे वो थे सिराजुद्दौला। ठीक है ना, तो प्लासी के युद्ध के बारे में आपको और बता दूँ, प्लासी के युद्ध हुआ था कब? 23 जून, ध्यान से समझ लीजिएगा, 1757 को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को
सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब हैं और अंग्रेजों के बीच में हुआ था ये युद्ध। और इसमें विजयी कौन हुआ था? इसमें विजयी हुआ था अंग्रेजों की तरफ से जो अध्यक्षता की थी या कह सकते हैं कि प्रमुखता की थी वो थे लॉर्ड क्लाइव उस समय, और अंग्रेज जीते थे सिराजुद्दौला के ऊपर। ठीक है ना, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ताप्ती, साबरमती, गोदावरी या नर्मदा? तो गुजरात की जो जीवन रेखा है वो नर्मदा नदी को कहा जाता है, और इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? ये अमरकंटक से निकलती है और गुजरात एमपी दोनों राज्यों से होकर ये खंभात की गाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो गुजरात की जीवन रेखा आपकी नर्मदा नदी है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा रोग किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या फंगस? तो रोगों के ऊपर मैंने एक ट्रिक वीडियो बनाई थी, और जल्दी इस पर एक संशोधित ट्रिक वीडियो आपको देखने को मिलेगी, ताकि आप रोगों को देखते हुए तुरंत आप बता सकते हैं कि विषाणु है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, फंगस है, कहाँ से है। फिलहाल हैजा रोग के बारे में बातचीत करते हैं। तो हैजा रोग जो है ये आपके किस जीवाणु विषाणु किसके कारण होती है? ये आपके जीवाणु के कारण है। ठीक है ना, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। ठीक है ना, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यकृत, प्लीहा, तंत्रिका तंत्र या अग्नाशय? तो पोलियो जो रोग है ये आप पोलियो का टीका आप जानते हैं आमतौर पर लगाया जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जी हाँ, नर्वस सिस्टम आप कह सकते हैं इसको, सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, सी ऑप्शन। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मानव शरीर का जो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? यकृत को, प्लीहा को, अग्नाशय को या पित्ताशय को? तो मानव शरीर का जो ब्लड बैंक है उसको बोला जाता है प्लीहा को, इंग्लिश में स्पिन बोलते हैं, स्पाइन हम लोग यूज़ करते हैं, प्रोनंसिएट करते हैं। तो मानव शरीर का जो ब्लड बैंक है वो प्लीहा कहा जाता है। अब यहाँ पर ये बात आ गई तो एक मेरे अंतर्मन में प्रश्न आया है कि सेल आप जानते हैं, ठीक है ना, जो तो सेल का पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? अगर आपको पता है तो आप जरूर इसको कमेंट करिएगा। देखिए, प्रश्न पूछने के पीछे बस एक ही मकसद रहता है कि आप सभी उसको सर्च करें और आपके अंतर्मन में वो प्रश्न बैठ जाए, ताकि एग्जाम में आपकी मदद हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? अनुच्छेद 370, 368, 343 या 360? तो बिल्कुल अनुच्छेद 368 जो भाग 20 में है उसका संबंध संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है ना, तो जब भी संविधान संशोधन का उल्लेख आए तो आप याद रखिएगा आर्टिकल 368 भाग 20 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये प्रश्न आप लोगों के लिए चैलेंज क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए आज के वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी कि प्रेजेंट टाइम में हाई कोर्ट्स कितने हैं इंडिया में? 24, 25, 28 या 29? आई होप आप सभी इसका जवाब जरूर देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा। जितने प्रश्न पूछे गए हैं जवाब देने की पूरी कोशिश करिएगा, और चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।